ये ले धनिया, इस महीने का बस्ती का भाड़ा 32,880 रुपए बारह आने। बारह आने कम है? ये ले 150 रुपए, इसमें और भी कम है। वो मेगा दीक्षित ने नहीं दी होगी, मैं जानता हूँ। ये लड़की जब पहली बार इस बस्ती में आई अकेली, मैंने बोला इसके खाने के वादे, इसके रहने के वादे, रहम खाया, रहेगी कहाँ है, रहम खाया, यही पाप किया ना मैंने, यही पाप किया मैंने। अब जब मैं उसे किराया मांगने जाता हूँ, कागज पूछती है, मुझे बोलती है तेरे झोंपड़े नाजायज है, नाजायज है, मैं अखबार में लिख दूंगी, पुलिस को बोल दूंगी। ऐसे लोगों से डरना ही अच्छा है, ऐसे लोगों से डरना ही अच्छा है भाई। नहीं डरता कौन है, लेकिन जब भी मिलती है ना तो भाषण झाड़ती है। एक बार कभी भिड़ जाऊंगा ना तो ऐसे बराबर कर दूंगा उसके अखबार के। चल तू अपने राशन की बात कर यार। नहीं दिया तो क्यों, भूल गया क्या, बड़ा पत्थर कुआ बेटा फिटोस। अरे धनिया इधर मारने का नहीं, इधर मालूम है छोटा दिमाग होता है, मालूम है, अरे मालूम है छोटा दिमाग होता है, बचपन से मारो, अभी तक मरा है क्या, शारीरिक संतुलन। ये ले तेरे पांच पत्तों की हरियाली ले और ऐश कर जा। क्या पापा और मेरी जेब खर्ची, आ जा बेटे, आ जा तू ला जा, मेरे को 500 रुपए दिए, देख क्या हवा रही, देख साला दिन भर तो कुछ काम धंधा तो करता है नहीं, मोटरसाइकिल चमकाते रहता है। ये ले, ये क्या 100, अरे नसीब वाला है, मेरा बाप तो मुझे 10 रुपए देता था, फिर नसीब वाला है, ऐसा बाप तुझे कहां मिलेगा, जा ऐश कर, ऐश कर जा, ऐश कर जा। काश आज इसकी मां जिंदा होती, बाप की कंजूसी की खाई में बेटा अपने प्यार को दफना रहा है। अरे करूं भी तो क्या करूं, इतना कंजूस बाप तूने देखा है? नहीं, अब मरेगा तो पैसा साथ लेके जाएगा? नहीं, बचपन में माँ गुजर गई, हाँ इकलौता लड़का हूँ और जेब का 100 रुपए, अरे आज की डेट में 100 रुपए कुछ होता है क्या? कुछ भी नहीं, फीस बचाने के चक्कर में जो कॉलेज नहीं भेजा था। हाँ। मुझे लगता है पैसे के चक्कर में मेरे प्यार की भी खटिया खड़ी करने वाला। ये प्यार की खटिया कैसे? मैं बताता हूँ कैसे, इधर आ, ये देख ममता के लव लेटर्स, एक एक लव लेटर 25-25 रुपए का है। उसने मेरे जन्मदिन पे 25,000 रुपए खर्च किए थे, अभी 100 रुपए के साथ उसका जन्मदिन मना या मरण दिन। देख इस 500 रुपए से काम चल सकता है? अरे इससे क्या होगा यार, अरे कमाल है, बच्चा समझ के कंधे पे लिया तो कान में मुद्दा है। अरे तू नहीं जानता, वो शहर के माने हुए बिल्डर योगराज की बेटी है, अरे 500 रुपए तो यू उड़ाती है। देख प्रताप तू कुछ भी कर, बापू को पटाके एक 5,000 रुपए दिलवा दे, तू जानता है ना तेरी बात नहीं टालेंगे। अरे ममता के होने वाले मियां, तू अपने बाप को अच्छी तरह जानता है, उसके सर के बाल झड़ेंगे तो उसका टूथब्रश बनाकर वो अपना मुंह साफ करेगा। उसके पास से 5,000 रुपया लाना मतलब भूखे शेर के मुंह से बोटी छीनने के बराबर है। लगता है धनतेरस की पैदाइश है, हर बात पे लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी। लक्ष्मी भेजना तो बहू के रूप में भेजना, ताकि घर में आए और स्थिर हो जाए, और मेरी लक्ष्मी पे नजर डालने वाले का मुंह काला कर देना माँ। जय लक्ष्मी नारायण, जय लक्ष्मी नारायण वासुदेवाय, जय लक्ष्मी नारायण वासु। ये क्या प्रथा, तूने चोरी की? यार कैसी बात करता है, एक अच्छे कार्य के लिए मैंने तेरे बापू का बोझ थोड़ा हल्का कर दिया उसको चोरी बोलता है। वैसे उल उड़क जाएगा तो इस लक्ष्मी का वारिस तू ही तो है, अपने जेब में हाथ डाले को चोरी थोड़ी बोलते हैं। कहीं बापों को मालूम पड़ गया ना, मिर्गी आ जाएगी यार, उनकी हरकतों को तू नहीं जानता मैं जानता हूँ, पैसे गिनते नहीं तोलते हैं। उनका कहना है लक्ष्मी गिनने से कम हो जाती है, हर महीने का जो भी भाड़ा आता है ना वो ऐसे